दोस्तों कैसे हो आप। नमस्कार, मैं वरुण सिंह बबरा, सर्टिफाइड ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो दोस्तों आज हम एक और एजेंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी हस्ती है इस फिटनेस इंडस्ट्री में। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो वो फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ IFSI मींस इंटीग्रेटेड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर है। उसके अलावा उन्होंने पावर लिफ्टिंग की है, वेट लिफ्टिंग किया है और बाकी का इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे। सो दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ वन एंड ओनली मिस्टर निखिल अस्थेवाले सर। सर वेलकम टू आवर शो फिटनेस फाइटर्स एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। क्योंकि सर आप जो फैकल्टीज हैं, जो फाउंडर्स हैं, आप इतने बिजी रहते हैं, आप बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं। थैंक यू सो मच। मेरी बात हुई थी वो अराउंड 20 दिन पहले बात हुई थी जूम पे, तो आपने बोला था कि जो मेरी जो असिस्टेंट है मुझे फ़ोन कर देगी जो। एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग। और आपके शायद आप जो आप भी लोगों को अच्छी सीख दे पाए हमारे चैनल के माध्यम से। सो सर सबसे पहले एक मैं आपको कुछ पूछना चाहूँगा। स्टार्टेड योर करियर एज अ जिम ट्रेनर, जिम ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर वगैरह वगैरह, मतलब जो हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहले नॉर्मल GT से लेके फिर PT बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं। उसके बाद आप K11 में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग में, साथ साथ में शायद आपने पावर लिफ्टिंग की थी, जिसमें आप जो है दो बार पावर लिफ्टिंग में आप नेशनल लेवल पे आप गोल्ड मेडल हुए थे। डिस्ट्रिक्ट में वेट लिफ्टिंग में भी आप जो है गोल्ड मेडल आप जीत चुके हो। तो मतलब वेट लिफ्टिंग भी, पावर लिफ्टिंग भी, इतना मतलब बोझ संभालना, सर कभी ऐसा लगा था कि सर कभी फिटनेस फाइटर पे इंटरव्यू करोगे? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फिटनेस फाइटर, जो आपके व्यूअर्स है और आपके सब्सक्राइबर्स है और इनफैक्ट यू, सो थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। इनफैक्ट आई वुड लव टू डू इट। एंड हाँ, मतलब एक था कि फिटनेस में कुछ अच्छा करना है, फिटनेस में कुछ एक नाम करना है मुझे। और पहले से मुझे टीचिंग का बहुत शौक था इन फिटनेस। मतलब जैसे आपने बोला कि आई वॉज अ पर्सनल ट्रेनर, और मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में बाकी के डेजिग्नेशंस के ऊपर भी काम किया है फिटनेस ट्रेनर के आगे, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। ओके, तो ये डेजिग्नेशंस के ऊपर भी मैंने काम किया है, और उसके बाद ये एकेडमी खोली, और उसके साथ में बाद में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग आप जो बोल रहे हो ये एक पैशन था। मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में आना बिकॉज ये तो आपको पता है कि जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आया आज से 18 साल पहले, तो वहाँ पर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या तो सिल्वेस्टर स्टेलोन, इनको देख के सारे इंस्पायर होते थे। और इनको देख के इंस्पायर होके लोग जो यंग लड़के थे वो वर्कआउट करते थे, और ऐसा फिर वैसे वो पैशन बना, फिर किताबें पढ़ने लगा, और ऐसे मैंने डिसाइड किया दैट आई शुड बी इन फिटनेस। तो इंसान जो है सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, तो वैसे आपने सोचा कि ट्रेनिंग के अलावा आपको टीचिंग करनी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, सो दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड विद योर ओन एकेडमी। सी द थिंग इज कि आई वाज नेवर इन फिटनेस पहले से। कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन एविस कार रेंटल्स। अब ये एविस कार रेंटल्स जो है ये एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका लाइसेंस उस समय ओबेरॉय टावर्स के पास था। ओबेरॉय टावर्स, ये दी ओबेरॉय इज द ओबेरॉय टावर्स जो मरीन ड्राइव पर है। ओके, आई यूज टू स्टे ओवर देयर। आई मतलब कई साल मैंने गिरगांव चौपाटी यहाँ पर मैं रहता था। सो वहाँ पर वो एविस कार रेंटल्स में मैं काम करता था। ओके, सो ये कौन सी ईयर की बात है? पकड़ लीजिए ना 20 साल पहले। ओके, 20 साल पहले की बात है, मतलब 2000 के आसपास की लगभग। यस, और मुझे आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जॉब। अब सबसे पहले मतलब ओबेरॉय टावर्स में काम करना, ओके, जहाँ पर आपका प्रमोशन भी अच्छा है, यू हैव अ वेरी गुड इनकम ऑल्सो, और वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं है। ओके, दो वहाँ पर शिफ्ट में काम करना पड़ता था, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, बट सम हाउ आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वो एक जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए। एग्जैक्टली, जैसे एमएस धोनी को नहीं था। हाँ, तो एक जैसे एक जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। मतलब मैं दूर से जब मैं रोज काम पर जब मैं जाता था ऑफिस, तो मुझे स्ट्रेस रहता था एज इफ यू आर गोइंग फॉर सम एग्जाम। आप एग्जाम में अपीयर करने के लिए कैसे स्ट्रेसफुल होते हो? मैं समझ गया, मतलब कि आप वो जॉब एंजॉय नहीं कर रहे। हाँ, तो जब आप व्हेन यू डोंट एंजॉय दैट जॉब, ये चीजें होती है।
तो वहां पर मैंने 2-3 साल काम किया एंड देन बाद में मैंने सोचा यार ये तो मैं जिंदगी भर नहीं कर सकता, आई शुड डू समथिंग इन विच आई हैव पैशन, जो मुझे अच्छा लगे। वर्कआउट करता था पहले से, उसमें डेफिनेटली एक इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या करना है कैसे करना है। ओके, तो ये हुआ कि आई वेंट फॉर अ इंटरव्यू टू अ जिम, एक जिम में गया मैं इंटरव्यू के लिए। सर जिम का नाम नहीं बता दीजिए। उस वक्त वर्ली पर एक जिम थी एग्जर्ट्स, जो अभी नहीं है। ओके, एग्जर्ट्स नाम की जिम थी, बहुत बड़ी जिम थी, अच्छी जिम थी बहुत। और उनके जो ओनर है उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा योर कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग इज वेरी गुड, दैट इज वेरी नाइस, बट द थिंग इज यू डोंट हैव नॉलेज, फिटनेस का जो नॉलेज होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है उन्होंने मुझे बोला था कि लेट्स से यू हैव अ क्लाइंट, इफ द क्लाइंट सेज आई हैव अ प्रॉब्लम इन द लंबर, इन द आई हैव अ प्रॉब्लम इन द लंबर रीजन, सो डू यू नो व्हाट इज अ लंबर, what is L1, L2, L3, L4, ये सब पता है आपको? बोला नहीं। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो देन आई आस्क्ड हर कि सो व्हाट शुड बी डन इन दैट केस, तो उन्होंने कहा यू शुड डू, उन्होंने बताया कि यू शुड डू अ प्रॉपर कोर्स, एक अच्छा एक फिटनेस कोर्स आपने करना चाहिए। सो देन आई आस्क्ड हर कि कहाँ से करना चाहिए। सो उन्होंने उस समय मुझे कहा था कि आई हैव ट्रेनर्स फ्रॉम तलवलकर, क्योंकि उस समय तलवलकर की एकेडमी हुआ करती थी, देन आई हैव सम ट्रेनर्स हु आर फ्रॉम K11, तो वो एकेडमी हुआ करती थी। और समहाउ आई थिंक, आई डोंट नो, बट उसके पहले आई थिंक K11 वाज अटैच्ड विद दैट पर्टिकुलर जिम या ऐसा कुछ था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया K11 का। सो ये बात है 2004-2005 की, नहीं आई थिंक इट इज़ 2000, क्योंकि एक 18-20 साल पहले की बात है। सो देन मुझे नंबर मिला K11 का एंड देन आई वेंट टू K11, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया एंड लाइक मुझे याद है आई डिड 2 courses एट द टाइम, 2 courses मैंने किए थे। ओबेरॉय की नौकरी मैंने छोड़ दी थी, आई हैड रिजाइंड, तो आई रिमेंबर आई डिड पर्सनल ट्रेनर कोर्स एंड न्यूट्रिशन कोर्स, ये दोनों एक साथ में। मुझे याद है पहले क्या PT कोर्स एक दिन होता था, दूसरे दिन न्यूट्रिशन कोर्स होता था। और उसके बाद आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब इन कफ परेड। तो कफ परेड में उस समय उनकी एक जिम थी, मैनेजमेंट जिम थी, तो वहाँ पर आई वॉज ऑफर्ड अ जॉब, वहाँ पर मैंने काम किया। वहाँ पर काम करने के बाद मेरा प्रमोशन होने लगा, लाइक आई बिकेम अ फ्लोर मैनेजर। उसके आफ्टर दैट आई वॉज गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ जिम मैनेजर। तो जिम मैनेजर, यू आर एंजॉयिंग इट आल्सो? आई वॉज एंजॉयिंग इट, इनफैक्ट वहाँ पर तो मतलब बिकॉज वंस यू आर ऑन द फ्लोर यू एंजॉय दैट वर्क, यू एंजॉय दैट जॉब, और ये लोगों को सिखाना और फॉर्म टेक्निक चेक करना, काउंसलिंग करना, आई वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ काउंसलिंग पीपल। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने देखी तो मुझे जिम मैनेजर उन्होंने ऑफर किया। फिर उसके बाद वहाँ पर परफॉर्म किया जब मैंने, तो मुझे एक दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया। ओके, नासिक का प्रोजेक्ट दिया गया, जो नासिक का उस समय जो उनका K11 एकेडमी और जिम थी उसके सेटअप के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद मैं वापस आया मुंबई, वहाँ पर सेटअप वेटअप करने के बाद मैं वापस आया, देन आई गॉट द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर फिटनेस काउंसलर। उसके बीच में मैंने ऑपरेशंस में काम किया था, वो ये भी मुझे याद है, ऑपरेशंस में काम किया था मैंने। एंड देन फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई शुड बी अ फैकल्टी, क्योंकि मैंने आपको बोला कि टीचिंग, आई वॉज फॉन्ड ऑफ काउंसलिंग, आई वॉज फॉन्ड ऑफ टीचिंग पीपल। ओके, एक मज़ा आता था मुझे, सो आई डिसाइडेड दैट आई शुड बी अ फैकल्टी। तो फैकल्टी का मैंने प्रिपरेशन किया और तब तक मैंने और कोर्सेज किए, आई गेन्ड मोर नॉलेज, देन आई बिकेम फैकल्टी, देन सीनियर फैकल्टी, देन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड देन वहाँ पर आई थिंक आई रिमेंबर आई वर्क देयर फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 9 or 10 years KLN में, फ्रॉम 2006 or 2005, आई थिंक 2006 से लेके आई थिंक 10 years तक
9-10 years I worked over there in K11. और वहाँ पर कुछ पॉलिसी में चेंजेस किए, वहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने एचआर पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए उन्होंने, जिसके साथ आई डिड नॉट अग्री. मतलब कुछ मेरे थॉट्स अलग थे. हाँ. और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जैसे उनको चाहिए था कि एक बॉन्ड के ऊपर साइन करना चाहिए मैंने. सो आई रिफ्यूज टू साइन दैट बॉन्ड बिकॉज आई डिड नॉट अग्री विद द पॉइंट्स. वो जो एग्रीमेंट था उससे आई वॉज नॉट कन्विंस्ड बेसिकली विद ऑल दैट. तो मैंने रिफ्यूज़ किया. और फिर उसके ऊपर से देन ये हुआ कि नहीं, इफ़ यू डोंट साइन देन आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा. सो देन आई रिज़ाइन. आई गिव देम अ प्रॉपर नोटिस, एवरीथिंग, सारी चीज़ें की करके आई रिज़ाइन. रेजिग्नेशन देने के बाद आई स्टार्टेड विद माई जिम मैनेजमेंट. तो मेरा जिम मैनेजमेंट कंपनी ट्रांसफॉर्म फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड, IFSI खुलने से पहले ये जिम मैनेजमेंट कंपनी मैंने खोली थी, ट्रांसफॉर्म फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड. ओके. और मेरे पास आई थिंक 5 या 6 जिम्स थे. भाईंदर में एक था, भाईंदर में था रॉक्सी जिम. हाँ, रॉक्सी होता है, मालूम है. हाँ. रॉक्सी जिम की मैनेजमेंट मेरे पास थी. ओके. ठीक है. मुलुंड में एक जिम थी, उसके बाद ये नाला सोपारा में एक जिम थी, विरार में थी, और एक जिम गोवा में थी उस समय. अच्छा, हाँ, गोवा में एक जिम थी. अच्छा. तो आई हैड अराउंड आई थिंक 4-5 जिम्स मेरे पास थी जिसकी मैं मैनेजमेंट देखता था. अगेन मैनेजमेंट देखना ये कोई मेरा मनपसंद काम नहीं है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मैंने आपको बताया, हाँ, वापिस वही हुआ कि आई एम नॉट, मैं मैनेजमेंट कर लूंगा. हाँ, लेकिन फील्ड वही है. हाँ, मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लूंगा. इनफैक्ट वो जिम्स को तो मैंने मतलब प्रॉफिट में भी लाया, काफ़ी चीज़ें की. वहाँ पर मैंने मेम्बर्स के सेमिनार किए, ट्रेनर्स के वर्कशॉप किए, जिसके वजह से सर्विस अच्छी की मैंने. ओके. और उनको मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, काउंसलिंग कैसा होना चाहिए, मेंबर्स को काउंसलिंग कैसे देना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने की. बट वापस वही था कि आई वॉज नॉट एक्चुअली एन्जॉइंग दैट वर्क बिकॉज आई वॉज मोर फॉन्ड ऑफ टीचिंग. ओके. और एक ये थी रीज़न था. दूसरा एक रीज़न ये था कि यू रिक्वायर ट्रेनर्स. अब ट्रेनर्स के लिए वापस आई एम नॉट गोइंग टू वापस मैं और किसी के पास जाऊं कि मुझे ट्रेनर्स दो. तो उससे अच्छा मैंने सोचा यार हम लोग ट्रेनर तैयार करते हैं. ओके. ऐसे करते करते देन आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद एकेडमी. और ऐसे इंटीग्रेटेड फिटनेस एंड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट IFSI का जन्म हुआ. दैट इज इन 2013-14 या अराउंड. अभी 7 साल हुए. 7 साल IFSI को. सो सर, IFSI जो आपने स्टार्ट किया था उसके बाद में आपको रिस्पांस कैसा आया और अभी आप क्या क्या कोर्सेज वगैरह करा रहे हैं उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन दे देंगे? या श्योर. IFSI का रिस्पांस डेफिनेटली अच्छा था. हाँ. और मेरे एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही था. ओके. और इसका एक रीज़न ये भी था कि लोग जानते थे. हाँ. उनको पता था कि मेरी लेक्चरिंग कैसी है. हुँ. या मेरी टीचिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता था. हाँ. तो रिस्पांस तो मुझे बहुत अच्छा मिला. और मैंने सबसे पहला ब्रांच, माय फर्स्ट ब्रांच ऑफ IFSI वाज दिस दहीसर, जहाँ पर अभी हम हैं. Okay. उसके बाद फिर पूना, एंड देन आफ्टर दैट इट वॉज नासिक. ओके. देन इट वॉज गोवा. ओके. उसके बाद सूरत. 5. हाँ. तो अभी ये इतने ब्रांचेस हमारे थे. डेफिनेटली. हाँ. ये कोरोना सिचुएशन में हमने बाकी के ब्रांचेस में थोड़ा ये कर दिया, क्योंकि अभी पता नहीं है, अभी भी सिचुएशन क्लियर नहीं है. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल गोवा या तो सूरत. हाँ. ओके. यहाँ पर बैचेस हो रहे हैं लेकिन online. उतने रेगुलर नहीं हो रहे और ऑनलाइन हो रहे हैं. ऑनलाइन ज़्यादा हो रहे हैं ये कोरोना सिचुएशन की वजह से. कोरोना सिचुएशन जो है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए कितना भार आया था और कैसे निकली है फिटनेस इंडस्ट्री, और इवन आपके एकेडमीज वगैरह भी पूरे ऑनलाइन चले थे या लोगों ने नहीं लिए थे या एक्सटेंशन दिया था, वो क्या हुआ, क्या था मतलब? फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोना सिचुएशन नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि ऐसा होने वाला है. मतलब मुंबई जैसे शहर में लॉकडाउन करना. हाँ. हमने तो कभी सोचा भी नहीं था. ओके. सो इट वॉज रियली, मतलब इट वॉज अ शॉक फर्स्ट ऑफ ऑल कि सारी चीज़ें लॉकडाउन और सारी चीज़ें बंद हो गई है. लेकिन एकेडमी है. हाँ. एकेडमी में काम करने वाले लोग है. डेफिनेटली वी हैव टू रन द शो. ओके.
तो हमने सोचना शुरू किया कि अब क्या करें, लॉकडाउन मतलब यहाँ पर तो कुछ भी शुरू नहीं है, मतलब आप ना लेक्चरिंग कर सकते हो, ना प्रैक्टिकल ले सकते हो, एवरीथिंग सारी चीज़ें बंद है। एंड देन उसके बाद ये ऑनलाइन ट्रेनिंग या तो ऑनलाइन लेक्चरिंग ये मेरे दिमाग में आया। ओके अब सबसे पहले फिटनेस में ऑनलाइन सिखाना ये कोई मैं कोई उसके फेवर में नहीं था पहले से। ओके आई वाज नॉट इन आई एम नॉट अ टाइप ऑफ पर्सन हु विल ट्रेन समबडी ऑनलाइन। इवन सर मैं भी जो है अपने क्लाइंट्स लोगों को अभी भी ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, दो तीन मेरे हैं बाहर के, बैंगलोर की, कनाडा की, चलो कनाडा का तो समझ सकते लेकिन अभी मेरे हिसाब से भी आई लव टू ट्रेन पीपल्स, काउंसलिंग करना मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन जब तक खड़े रह के ऐसे फॉर्म नहीं देखेंगे कितना वेट मारा है, बीच में ब्लर हो जाना तो मन को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वैसे करेक्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी मन को एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एंड आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग एट ऑल, जरा भी नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी आपको पता है लॉकडाउन होने के बाद कोई आंसर नहीं आ रहा था, पता नहीं था, पहला लॉकडाउन तो पता भी नहीं था कि पहला लॉकडाउन कब खुलेगा क्या होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा था हमको। एंड देन एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे सारे और ऐसे सिचुएशन में क्या, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा सेमी ऑनलाइन करते हैं उसको। सेमी ऑनलाइन का मतलब क्या, सेमी ऑनलाइन का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो जिम फ्लोर पर होगी। हाँ। जब एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी हाँ। उस समय हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिम फ्लोर पर करेंगे। ओके हाँ। अभी से कम लेक्चर्स तो शुरू कर देते हैं। यस।